किंबा पदवी मनीष को बड़ करेनी, बड़ बोली परिचित दिए नम्रता एवं सरलता। से सरलता पाई आज चर्चा रे जोगगुरु स्वामी शिवानंद निजर कर्म तप्तर प्रतिभा एवं पराकाष्ठार पुरस्कार पाउथिबा स्वामी शिवानंद सभी को स्तंभीभूत कर देथिले। भारतर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य निज आसन रे बसी पारि नथिले। हाँ दर्शक बंधु, 21 तारीख अपराह्न समय राष्ट्रपति भवन रे प्रदान करा जाउथाय पद्म पुरस्कार। एही समय रे जोग क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान ग्रहण करितबा 125 वर्षीय वृद्धक नाम घोषणा करा जायतिला। परवर्ती समय रे सतायु वृद्ध शिवानंदक आगमन एवं नम्रता उपस्थित अतिथि को विमोहित करितला। जोग गुरु स्वामी शिवानंद उत्तर प्रदेश रे बास करंती एही 125 वर्षीय वृद्ध। आज भी से बेस सुस्थ एवं कर्मचंचल। गत सोमवार पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करिबा अवसर रे तांको नाम डकाजिबा मात्रे शिवानंद तांको आसनरु उठि आथिले। यहा परे अतिथि भावे राष्ट्रपति भवन रे उपस्थित थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंठू माड़ी साष्टांग प्रणाम करथिले स्वामी शिवानंद। सतायु स्वामी शिवानंदक एपरि आचरण प्रधानमंत्री को निज आसनरु उठाई देथिला। मोदी मध्य निज आसनरु उठि दुई हाथ तले लगाई प्रति नमस्कार प्रदान करथिले। मोदी को प्रणाम करिबा परे स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति आसन आगरे मध्य आंठू माड़ी दंडवत करथिले। स्वामी शिवानंदक नम्रता आगरे राष्ट्रपति मध्य नमस्य होथिले। निज आसनरु उठि आसी शिवानंद को उठाइथिले एवं तांकु पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करथिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सूचना मुताबक 1896 मसीहा अगस्त 8 तारिखें बंगलार श्रीहती जिले जन्मग्रहण करथिले स्वामी शिवानंद। क्षुदा कारण मात्र 6 वर्ष बयसरे से पितामाता हरैथिले। पितामाता मृत्यु परे से बंगलार काशी को आसी गुरु ओंकारानंद जोग शिक्षा आरंभ करथिले। से निजक एक आधुनिक समाज ठारु सबु बेले दूरे रखती। जोग और धर्मशास्त्र में रुचि रखुवा स्वामी सबुदिन भोर 3 उठि जोग करती। शिवानंद विगत 3 दशंधि धरी काशीर घाटे जोग शिक्षा देउछन्ती। 125 वर्ष बयस होइथिले मध्य एबे भी से बेस सुस्थ होइछन्ती। जे केहि भी तांकु देखिले आश्चर्य होइ पड़न्ती। किंतु राष्ट्रपति भवन रे सतायु स्वामी शिवानंदक एपरि नम्रता भारतीय संस्कृति और सभ्यतार गारिमा वृद्धि करिछि निसंदेह। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष डिजिटल।